कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम बदलते किस्मत में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्या किस्मत बदली जा सकती है? तो हाँ, बदली जा सकती है, क्यों नहीं बदली जा सकती। आप अपने भाग्य के, अपने किस्मत के खुद विधाता बन सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जीवन को किस नजरिए से देखना है, जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है, ये सब हम पर निर्भर करता है। सामने वाले को कोसने से या भगवान को कोसने से या भाग्य को कोसने से कभी भी कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का दम है, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि बार बार गिरकर भी आप उठ सकते हैं, बार बार आप प्रयास कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, प्रयास यकीनन आपके लिए फलदायक साबित होंगे, लाभकारी साबित होंगे, और आप अपने जीवन को ठीक वैसा बना सकेंगे जैसा आप बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को बदलना, परिवर्तित करना चाहते हैं, जीवन को एक इस नज़रिए से देखना या फिर इस ढंग से जीना जैसे हमेशा से आपने चेष्टा की है, तो ये मंच, ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, लाइव प्रोग्राम है, जुड़िए इस प्रोग्राम से ताकि आप भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, आप भी अपने भाग्य के स्वयं विधाता बन सकें, अपनी किस्मत को बदल सकें। तो आइए आज भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जो आपकी सहायता करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। जी हाँ, हम बात करें जाने माने ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष सम्राट, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी की। स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। वाकई में जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है वैसे ही दर्शक जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो बिना देर के उनसे बात करते हैं। आशुतोष जुड़े हैं लुधियाना से, हमारे पहले दर्शक। स्वागत है आशुतोष जी, नमस्कार। जय माता दी। नमस्कार। जय माता जी। मोनिका जी नमस्कार। गुरु जी जी, जय माता दी। स्वागत है आपका आशुतोष जी। बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहूंगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1st May 1992। 1st May 1992। हाँ जी। समय बताइए। शाम के 6:32। शाम के 6:32। 6:32 ये सुबह के हैं या शाम के हैं? शाम के। शाम के 6:32। कहाँ का जन्म है आपका? मुंबई। मुंबई का, ठीक है। फोन लाइन पे जरूर रहिएगा हमारे साथ। आशुतोष जुड़े हैं लुधियाना से। जी आशुतोष जी, आपकी कुंडली बनी हुई है? नहीं सर, नहीं बनी है। ये तुला लगन की कुंडली हो रही है, राशि आपके मेष राशि हो रखे हैं। हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि आपकी यदि कुंडली नहीं बनी है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से मिल करके अपनी कुंडली बनवा लें। दर्शकों, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत कुंडली बननी चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे जब कभी किसी का डिलीवरी होता है तो बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं बेबी इनक्यूबेटर मशीन में या आईसीयू में। उसका कारण क्या होता है? जब बच्चे का जन्म मार्केट से दिशा में होता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। यदि हम जन्म के साथ ही पता लगा लेते कि कुंडली की क्या स्थिति है तो हम हर समस्याओं के से समाधान पा सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है इसमें सबसे स्थिति जो बन रखी है, हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, कैरियर और मैरिज। आपकी एज में दो चीज़ बहुत मुख्य मायने रखता है, वो है कैरियर और मैरिज। तो इस कैरियर और मैरिज की स्थिति हम देखते हैं तो पहले कैरियर चलें तो दशमेश तुला लग्न की कुंडली में दशम घर का जो मालिक होते हैं वो चंद्रमा हो जाते हैं, और चंद्रमा जो है आपका सूर्य के साथ बैठा हुआ है सप्तम घर में शुक्र के साथ, जो कि पूर्ण रूप से शुक्र भी अस्त हो गया है और चंद्रमा भी अस्त हो गया है। सप्तम घर का मालिक, सप्तम घर का मालिक जो विवाह का मालिक होता है वो आपके बैठे हैं छठे घर में। तो किसी घर का मालिक जब अपने से पीछे हो जाता है तो उसको व्यय कर देता है। दूसरी बात, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, दशमांश कुंडली क्या कह रहा है। सिर्फ लग्न कुंडली से ज्योतिषी नहीं होती, दर्शकों बार बार मेरी बात को ध्यान रखेंगे इस बात को। एक व्यक्ति के जीवन में टोटल 24 कुंडली बनता है,
और अक्सर मैंने देखा है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैंने आज तक किसी पास देखा नहीं कि उनकी 24 कुंडली हो। लोग 2-3 कुंडली बना करके छोड़ देते और उसी से प्रिडिक्शन हो जाता, रिजल्ट निकलता कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से लग्न कुंडली के दशम घर से हम करियर को देखते हैं, नो डाउट, लेकिन उसका जो फुल एनालिसिस होता है वो दशमांश कुंडली से। आपकी कुंडली में 99% गवर्नमेंट जॉब का जोग बना हुआ है, लेकिन थोड़ा हम बढ़ते हैं दशमांश कुंडली की ओर। हमारे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं, बाद में मुझे कॉल भी करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में वो लैपटॉप लेके भी बैठते हैं, कुछ ज्योतिष भाई हैं, कुछ दर्शक होते हैं, तो आप अपनी कुंडली जब बनाएंगे ना तो मेरी बात को नोट कर लेना, दशमांश कुंडली जरूर देखना। दशमांश कुंडली में आपका चंद्रमा 1 नंबर में है और आगे पीछे बिल्कुल खाली है। और मैंने कई बार कहा है कि जिनकी भी कुंडली में केमदूम जो बन जाता है उस बच्चे का पूरा लाइफ खराब कर देता है। तो जो दशमांश कुंडली है वहाँ केमदूम जो बन गया और चंद्रमा आपका लग्न कुंडली का दशमेश भी है, तो परिस्थिति क्या करेगा, आप कॉम्पिटिशन मारते रहेंगे लेकिन आपको निकलने नहीं देगा। करियर में परेशानी, जॉब लगने में परेशानी, और उसी तरह से हम बात करें आगे जाकर विवाह के लिए, तो आपको विवाह में भी बहुत सारी परेशानी देगा। विवाह की बातें भी बनते बनते आपकी टूट जाएगी। सबसे पहले तो हम करियर देखेंगे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है नहीं? हाँ सर, चल रही है जी, चलती रह जाएगी, बुरा मत मानना। मेरी शुभकामना है कि आप बहुत अच्छे पहुँच जाओ ये कुंडली में, तो ऐसे बच्चे UPSC करके सीधे IRS का जॉब कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक निवारण नहीं करेंगे, आपकी ये तैयारी चलती रहेगी और किसी न किसी कारण से आप ड्रॉप करते जाएंगे और धीरे 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 आपका उम्र निकलते चला जाएगा। अर्थात करियर और मैरिज दोनों का दोनों बिल्कुल फंस रखा है। अभी मोनिका जी ने कहा है कि हम अपने भाग्य का विधाता खुद बन सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने हमें भाग लिख के भेज देता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। यदि ईश्वर भाग लिखा रहता तो हर व्यक्ति का भाग्य रॉयल होता, किसी का खराब हो ही नहीं सकता था। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी ने आपको अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिखो, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एजुकेशन परफेक्ट, उसके हेल्थ परफेक्ट, उसकी करियर परफेक्ट, उसकी मैरिज लाइफ परफेक्ट। तो आप हमें एक चीज़ बताइए, जब हम अपने बच्चों का करियर, भाग्य सब अच्छा लिख सकते हैं, तो हमारे परम पिता परमेश्वर यदि भाग्य लिखा रहता तो वो क्यों किसी का खराब लिखेगा? तो हम अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कुछ इस जन्म के भाग्य को भोगते हैं और कुछ प्लानिट का मैनेज करके, उपाय करके जो प्रॉब्लम है उससे लाभ लेते हैं, और हम अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य का विधाता खुद बनते हैं। तो कर्म आपको वहाँ तक पहुँचने क्यों नहीं देता है? इसलिए पहुँचने देता है कि जो प्लानिट का जोग होता है उसके कारण से हमको सही ट्रैक पर जाने नहीं देता और भटकाव दे देता है। तो जब ग्रहों ने महादेव शिव को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, फिर आपको कैसे छोड़ेगा? तो दर्शकों का विश्वास रखें, हम इसके माध्यम से निश्चित रूप से इससे लाभ ले सकते हैं। और बार बार मैंने आपको एक ही चीज़ कहने का प्रयास किया है कि किसी भी ज्योतिष से यदि आपको मिलना पड़े, फ़ोन पर बात करना पड़े, तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम तो बिल्कुल मत बताओ। मेरा सीधा कहना है कि विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। यदि ज्योतिषी है तो समस्या बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए आपके ऐसे ज्योतिषों जो आपका सवाल भी हो जाए और आपका जवाब भी हो जाए। तो आपकी कुंडली में 99% A1 क्लास का अफसर का योग बना हुआ है, चाहे UPSC हो या स्टेट लेवल का PCS हो, निश्चित रूप से देगा। लेकिन जब तक आप उपाय नहीं करेंगे आप फंसे रहेंगे। दूसरी बात, जो कुंडली की स्थिति है, तुला लग्न की कुंडली में आपका जो वर्तमान दशा जा रहा है वो सूर्य में राहु का जा रहा है, तो आपको ये भी आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अक्टूबर 2017 से ही आप परेशान ज़्यादा हैं आप, और आप उपाय नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है खास करके सितंबर 20 तक का परेशान रहेंगे। तो आप समय रहते किसी अच्छे ज्योतिष से मिले, ऐसा जगह मिले जहाँ पर कि आपकी 24 कुंडली बने, आपने क्या लेके पढ़ा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं, आपको एक एक बातें जो हैं ज्योतिष महोदय खुद बताएंगे, और जब बताएंगे तो उस प्रॉब्लम को बताएंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, आपकी करियर भी लग जाएगी, जॉब भी लग जाएगी, और आने वाला समय में वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। क्या आप सहमत हैं आशुतोष जी गुरु जी की बातों से? हाँ जी, हाँ जी मैडम, मैं बहुत
सहमत हैं तो जरूर इन बातों को फॉलो कीजिएगा। और जिस तरह से गुरुजी ने भी कहा कार्यक्रम की शुरुआत में भी, हमने दर्शकों आप सभी से कहा था कि आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता बन सकते हैं। रोने का, कोसने का, किसी और को या भगवान पर दोष डालने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उपाय अगर आप अपनाते हैं, मार्गदर्शन अगर आप अपनाते हैं, निश्चित तौर पर परिवर्तन आप अपने जीवन में ला सकते हैं। और अगर आप भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए। आइए आगे बढ़ें और अगले दर्शक से बात करें। राकेश है हमारे साथ सिरसा से, स्वागत है राकेश जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताएं राकेश जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी अपने बारे में जानना है। अपनी जन्म की तिथि 5 नवंबर 1989। समय बताइए। समय रात को 12:30 बजे, 4 की रात 5 बजे। ठीक है। कहाँ का जन्म है? सिरसा हरियाणा जी। जी राकेश इनका नाम है गुरु जी। राकेश जी। हाँ जी। राकेश जी आपकी कुंडली बनी है? हाँ जी कुंडली बनी है मेरी, कर्क लगन धनुराशि कुंडली जी। जी आप बताएं नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्क लगन की कुंडली है, धनुराशि है निश्चित रूप से, और कुंडली आपके बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सूर्य मंगल बुध का एक युति बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर राजयोग बना रखा है। आपके छठे घर में भी शुक्र शनि चंद्रमा मिल करके बहुत अच्छा राजयोग बना रखा है। ये दो दो राजयोग होने के बावजूद भी हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं, आप जहाँ भी कुंडली दिखाएंगे सभी कहेंगे टॉप की कुंडली है, टॉप की कुंडली है, और टॉप टॉप सुनते सुनते आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। 89 का जन्म है तो निश्चित रूप से आपका जो एज है वो 30 ईयर के आसपास पहुँच चुका है। इसके बावजूद भी जो आपके जो डिविजनल पार्ट्स है, जैसे हम नवमांश कुंडली को देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दशमांश को देखते हैं। देखिए दर्शकों, आप लोग कहते हैं शिवानंद जी आपको सबको तो केंद्रम जोगी निकाल देते हैं, मैं क्या करूँ? यदि प्रॉब्लम है तो मैं तो बताऊंगा ही, ये मेरी खास आदत है। हमें अच्छी तरह से याद है मैंने 2008 में इंटर किया था एस्ट्रोलॉजी में, और मेरी फर्स्ट प्रोडक्शन थी झारखंड से कि शिबू सरन जी जो वहाँ के थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बन गए, और 6 महीने के बाद उनको एक सीट निकालना था MLA का, अन्यथा वो मुख्यमंत्री से रिजाइन देना पड़ता, और मैंने पेपर में छपा दिया था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गए। ये अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है और माता रानी का आशीर्वाद है। ये माता रानी का ये आशीर्वाद दर्शकों कि आज तक मैंने जितनी भी पॉलिटिकल प्रोडक्शन किया है, चाहे वो CM का हो, PM का हो, वर्ल्ड कप का हो, XPM का हो, ये माता रानी का एक भी मेरा ड्रॉप नहीं किया है। ये आपका सहयोग और माता रानी का आशीर्वाद, और मैं सबसे मूल मानता हूँ वो है ऑनेस्टी। जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले ईमानदार बने। आज हमारे कुछ दर्शक कहते हैं फ़ोन पे बाद में कि गुरु जी आपका तो फीस बहुत ज़्यादा है। फीस ज़्यादा है तो आप समझने का प्रयास करें, हम आपको घुमा करके ठगने का प्रयास नहीं करते। मैं ये चाहूँ तो मैं भी आपको फीस 11,000 से 1,100 कर दूँ और आपको रत्न में और किसी किसी में ठगना स्टार्ट कर दूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें नहीं लगता, क्योंकि मैं भी पूरे इंडिया में भ्रमण करता हूँ, हमें नहीं लगता है कि शायद कहीं आपको कई ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ से आप रत्न ले लें और वापस कर लें, नहीं वापस होता। मुझे पता है रत्न ले लेंगे वापस नहीं होता। आप देखते हैं इसमें कार्यक्रम चलता है कि 10% काट के पैसे वापस ले लें। मैं चाहता हूँ कि पूरी ऑनेस्टी से आपके साथ जुड़ूँ और आपको लाभ देने का प्रयास करूं। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है, आपके भी 10 मास में बने हुए केमडम योग, आपने कहा तो कुंडली बनी है, आप अपनी कुंडली खोल करके देखें कि क्या आपके जन्म कुंडली में 24 चक्र है, 24 कुंडली है, उसमें से एक कुंडली होता है 10 मास कुंडली होता है। अब 10 मास को खोल करके देखें, चंद्रमा 6 नंबर में और आगे पीछे बिल्कुल खाली, तो परिस्थिति क्या करेगा, आपके साथ भी वही फैक्टर लग गया जो कि पहले वाले को मैंने बताया है, अर्थात आप तैयारी करते रह जाएंगे, जॉब लगेगी, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं देगा, और सीधा चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। ये कुंडली की गणना होगा, या तो आपको विवाह नहीं होने देगा, विवाह हो गया तो चल लेने देगा, क्योंकि आपके नवमांश कुंडली में मंगल शनि राहु तीनों सप्तम घर से दूषित हो रखे हैं, और मंगल शनि राहु को हम कहते हैं विच्छेदात्मक ग्रह। ये क्या करता है, उस संबंध को विच्छेद करा देता, और नवमांश कुंडली क्या होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, तो वैवाहिक जीवन चल लेने देगा। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, आप ये देखें पहले कि आपकी 24 कुंडली बनी है नहीं, या 2-3 भी बनी है तो उसमें प्रॉब्लम निकाला गया है कि नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मैं भी देखा कुंडली, अच्छी अच्छी बातें लेकर के रख देते हैं, आप ऐसे IAS बन जाओगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये गाड़ी हो जाएगा, ये बंगला हो जाएगा, और देखते देखते समय निकल जा। कितने लोग हमारे पास में ऐसे हैं 1972 के हैं, अब शादी हो जाएगी, अब शादी हो जाएगी, 20-20, 30-30 कुंडली लेके मेरे पास में आते हैं। तो जब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे रास्ता नहीं मिलेगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक सही डायग्नोसिस नहीं होता है बीमारी ठीक नहीं होता है, तो क्या करते हैं, कभी इस डॉक्टर से कभी उस डॉक्टर से दिखाते दिखाते थक जाते, चलो भाई एक बार विलोर दिखा लें। तो क्यों नहीं हम एक बार पहले ही एक अच्छे डॉक्टर से मिलें। तो उसी तरह से ज्योतिषी गणना में भी आप कोशिश करें कि हम एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, ऐसा जगह मिले जहाँ पर कि आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े। तो आपकी भी कुंडली में बिल्कुल
दो दो राजयोग बना हुआ है जो आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर सीधे ले जा रहा है, लेकिन ये केमद्रुम योग आने वाला समय में या जो समय चल रहा है आपको कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी देने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रखा है। कर्क लग्न की कुंडली में दशा आपके जा रहे हैं राहु में शनि का, बिल्कुल रिवर्स। अक्टूबर 17 से लेकर के और मार्च 24 तक आपका समय बिल्कुल रिवर्स है। आप उपाय नहीं करेंगे तो परेशानी आपके साथ यथावत बनी रहेगी। क्या आप सहमत हैं राकेश जी, गुरु जी ने जो बातें आपको कही हैं उनसे? हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल सही बात है। एक बार जाननी गुरु जी, जी बताइए जी, लाइफ में कुछ ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, संघर्ष बहुत किया। मैंने आपको भी क्या बोला, ये सिंगल कार्यक्रम है जो कि आपकी बोलना ही नहीं पड़ता है, और मैं छोटी सी बातों में, दो शब्द की बातों में मैं बहुत कुछ कह देता हूँ, आप समझ नहीं पाते। मैंने क्या कहा आपका भी कि दो दो राजयोग बना हुआ है जो कि आपको टॉप लाइफ देने का प्रयास कर रखा है, लेकिन एक केमद्रुम योग बना हुआ है जो चौपट कर दे रहा है। गाड़ी तो है, प्लग शॉर्ट कर गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप इसको कुंडली को बना करके बढ़िया से आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलिए, आपका टॉप लाइफ देगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब समस्या होता है तो समाधान भी होता है, व्यक्ति बीमार होता है तो उसका इलाज भी होता है। आप उपाय करेंगे निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा आपको और अच्छे लाइफ मिलेंगे। बस आवश्यकता है एक अच्छे ज्योतिष की जहाँ से आपको सही सही निवारण मिले और आपको रास्ता मिले। राकेश जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यही कहना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से आप मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त करें, चाहे आप किसी से भी करें, बस कभी भी उसे अपनी समस्या ना बताएं, उन्हें खुद जानने दें कि आपकी जन्म पत्रिका आपके बारे में क्या कहती है। और जिस तरह से आपकी शिकायत है, आप इतना परेशान हैं कि लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, पूरी ग्रोथ आपको मिलेगी, आपका जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा, ज़रूरत बस आपको विशेष प्रकार के उपाय अपनाने की है। बाकी दर्शकों, संस्थान में आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। जब संस्थान की बात आती है तो गुरुजी की कोई संस्थान नहीं है, गुरुजी खुद आपसे बात करते हैं, अकेले हैं, उनकी वाइफ उनकी सहायता करती है हर चीज़ में, और वो आप लोगों को जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं वो बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। और जिनकी लाइव प्रोग्राम में बात नहीं हो पाती है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुबह बात कर सकते हैं उनसे। अगर आपकी आज बात नहीं हो पा रही है, निराश ना हो, अगले दिन सुबह 9 से 10 के बीच में आप गुरु जी से बात कर लीजिएगा। नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ें। सुलोचना हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं लुधियाना से, उनसे बात करेंगे। स्वागत है सुलोचना जी, जय माता दी। जी नमस्ते, जय माता दी। जी नमस्कार सुलोचना जी, स्वागत है आपका, बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, जन्म की तिथि दीजिए। जन्म की तिथि एकदम कंफर्म नहीं है, असल मेरी उम्र लगभग 32 साल के करीब है। सुलोचना जी माफ करेंगे, आपको हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम मस्ट है। जब तक डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं रहेगा, ना आपकी कुंडली बन सकती है, ना हम कुछ गाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिष से मिलना पड़ेगा, पामेश से मिले, अपने हस्तरेखा को दिखाएं, आपके हस्तरेखा से भी कुंडली बन जाती है। जब तक टाइम नहीं मिलेगा, डेट सही नहीं मिलेगा, आपको एक भी प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, ना हम आपको मदद कर पाएंगे। चलिए, आप हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने जीवन को जान सकती हैं, आप पामिस्ट्री का सहारा लीजिएगा और जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिल जाएगा। अगले दर्शक से बात करते हैं, मीना है दिल्ली से। स्वागत है मीना जी, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए मीना जी। ये मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे का नाम, डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी। हाँ जी। 2001। समय बताइए इनके जन्म का। दिन का 2:47। 43 मिनट, ठीक है। कहाँ का जन्म है? दिल्ली। दिल्ली 2:43 AM PM क्या है जी? दिन के PM। नाम बताइए अपने बेटे का। नयन। मयंक। नयन। नयन, ओके। हाँ जी,
नयन इनके बेटे का नाम है, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि इनकी हो रखे हैं वृश्चिक राशि। इनकी कुंडली बनी है? हाँ जी, हाँ जी बनी हुई है। इस कुंडली में सबसे पहले जो पॉजिटिव बातें मैं बता दूँ, इनके शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। अधिकतर मेरी ऐसी आदत रहती है कि हम पहले निगेटिव ही निकालते हैं, लेकिन जब कुछ विशेष बातें मिलती हैं तो मैं कोशिश करता पहले पॉजिटिव से ही चलूँ। तो इस बच्चे की कुंडली में शुक्र उच्च का बैठा हुआ है दशम घर में, जो मलब्य योग बनाता है। मलब्य योग भी 12 तरह के होते हैं, अर्थात शुक्र 12 राशि में अलग अलग फल देते हैं दशम घर में ही। तो सबसे टॉप क्वालिटी का इनका बना है मलब्य योग। तो हम विश्वास के साथ कैसे हैं कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे यदि UPSC मारे ना तो UPSC में भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, इनके अष्टम घर में, छठे घर में चंद्र मंगल बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के अवश्य हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो कोई भी ग्रह जब नीच के हो जाते और उसका स्वामी जब खुद साथ में आ जाता तो वो अच्छा फल देता, अर्थात ये बन गया नीच भंग राज योग, और चंद्र मंगल की युति ऐसे भी बन जाता है लक्ष्मी योग। तो ये बच्चे जीवन में इतने पैसे कमाएंगे कि मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, अर्थात यदि बहुत अच्छा है तो कहीं ना कुछ समस्याएं भी इंसान को घेरे रहता है। जैसे आप एक छोटी सी बात मानिए मेरा, हमें लगता है कि शायद ही हमारे भारतवर्ष में कोई ऐसे व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कि हम भले स्वस्थ हैं लेकिन जब हम डॉक्टर के यहाँ जाएँ और बोले कि डॉक्टर साहब हमको फुल बॉडी चेकअप कराना है, तो कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य निकलेंगी। उसी तरह से जब व्यक्ति का जब 24 कुंडली बनता है ना, तो कुछ न कुछ समस्याएं अस्पष्ट बनती है। ये कुंडली को हम हजार में एक कह सकते, अर्थात इतनी अच्छी कुंडली हजार में एक होता है, लेकिन इनके दशमांश कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों का दोनों बिल्कुल डैमेज हो रखा है। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल UPSC की तैयारी करनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि 95% सफल होंगे, क्योंकि 2 मिनट के अंतराल में पूरी कुंडली का विश्लेषण हो नहीं सकता है। कभी कभी लग्न कुंडली कुछ और कह देता तो नवमांश कुंडली कुछ और कह देता। थोड़ी सी इनकी परेशानी है कि ऐसे बच्चे थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा शायद इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है। हम आगे बढ़ते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है तो बच्चे का दशा क्या जा रहा है। अब देखिए कितना अच्छा संयोग है। अब दर्शकों एक चीज़ बताइए कि कोई भी व्यक्ति यदि डॉक्टर के यहाँ जाता है हॉस्पिटल में, क्या शौक से जाता है? नहीं जाता है। जब तक वो बीमार नहीं होता, परेशानी नहीं होती, डॉक्टर क्या क्यों जाएगा? कोई भी व्यक्ति क्या कोर्ट कचहरी का चक्कर शौक से लगाता है? सभी चाहते हैं कि भगवान ने करे दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी डॉक्टर का चक्कर लगे, लेकिन जब मजबूरी पड़ती जाना ही पड़ता है। तो आपने भी जब कॉल किया है तो कहीं ना कहीं कोई समस्या होगा ही, जबकि कुंडली कह रहा है टॉप की कुंडली, टॉप का राजयोग, मलब्य योग, और तो और इनके दशा तो जा रहे हैं, अक्टूबर 16 से इनकी जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है। लग्नेश बुध की दशा 17 वर्षों की होती है, ये बहुत टॉप संयोग है इस बच्चे के लिए। लेकिन इनके डिविजनल पार्ट में कहीं मैं देख रहा हूँ 20 दोष, कहीं चंडाल दोष, कहीं ग्रहण दोष, ये बन करके इनके अच्छे समय का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है इनको। तो कुंडली बनना बड़ी बात नहीं होता दर्शकों, कुंडली बनाने वाले कैसे हैं वो बड़ी बात होता है। तो आप क्या करें, इतनी अच्छी कुंडली मैंने कहा ना कि ढूंढने से नहीं मिलेगा, बस आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, पूरी 24 कुंडली बनवाएं, इसका उपाय करवाएं, और आप मेरी बात को नोट कर लें आज कि ऐसे बच्चे UPSC करके 95% चल जाएंगे सीधे IAS में। ये ना IRS का है ना IPS का है, सीधे IAS कुंडली है। बस आवश्यकता है जो थोड़ी सी रुकावट हो रखे हैं उसको सॉल्व करने का। आप सॉल्व करेंगे, आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। क्या आप सहमत हैं मीना जी? आचार्य जी मैं ये जानना चाहती थी, इसको बीटेक ज्यादा सही रहेगा कि आप IAS कह रहे हैं वो ज्यादा सही रहेगा? नहीं, ये PCM से पढ़ेगा। मैं अभी जस्ट कहा 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होती है, ये PCM से पढ़ाई करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके बाद ये बीटेक करेगा कंप्यूटर सेक्शन से, और बीटेक करने के बाद तब UPSC करेगा। ये कुंडली बीटेक करने की है, लेकिन बीटेक करके जॉब नहीं करेगा, ये बीटेक करके सीधे UPSC मारेगा और सीधे IAS बनेगा। मेरी बात को एकदम नोट कर ले, बस आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर लें। चलिए मीना जी, जो बातें बताई गई हैं ध्यान रखिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद यही करते हैं कि आपके बच्चे का जीवन बहुत उज्जवल रहे, बहुत खूबसूरत रहे। आइए आगे बढ़ें और अगले दर्शक से बात करें। हमारे साथ अब इंद्रजीत है अमृतसर से, स्वागत है आपका इंद्रजीत जी। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी, बताएं। 23 जुलाई, हाँ जी, 1965 जी, 442 दोपहर के जी, अमृतसर का जन्म है जी। हाँ, इनका नाम इंद्रजीत है गुरु जी। इंद्रजीत जी, कुंडली बनी है आपकी? हाँ जी। मैं सबों से इसलिए पूछता हूँ,
कि अधिकतर देखते हैं लोग कहते हैं मेरे पास में नहीं है, तो क्या होता है जब कुंडली नहीं रहेगा तो आपको फिर लाभ नहीं गए, कैसे मिलेगा आपको? आपकी कुंडली बन गई वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी मकर राशि है, अभी पास में कुंडली है, राशि मेष बनती है। मैंने बोला अभी क्या बनती है? मेष। गलत कुंडली बनी है आपकी। आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या दिया है? 23 जुलाई 1975। हाँ, यहाँ पड़ गया 1975। मैं इसको 65 करता हूँ। और 4:42 PM अमृतसर का जन्म है गुरु जी। हाँ जी, वृश्चिक लगन है, मेष राशि है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या हुआ, क्या होता है कि ये फोनिक बात होती है ना, कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, डेट डालने में मिसिंग हो जाता है। मैंने 75 डाल रखा था, इसे पछतानी हो रखी है। ये कुंडली बन रखी है आपकी वृश्चिक लगन की और राशि आपके मेष राशि हो रखे हैं। दशम घर, दशम घर में बुध शुक्र का एक युति बना हुआ है जो सरस्वती योग भी कहते हैं और राजयोग भी बन रखा है आपके। लेकिन समस्या का सबसे बड़ी समस्या क्या हो रखा है कि राजयोग होने के बावजूद आप ध्यान देंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में धन का मालिक अर्थात द्वितीय घर का मालिक और पंचम घर क्या होता है, शिक्षा और संतान का मालिक, तो 9 नंबर और 12 नंबर दोनों के मालिक गुरु होते हैं, जो गुरु आपके सप्तम घर में राहु के साथ बैठ करके चंडाल योग बना दिया। तो क्या होता है, ग्रह दिखते नहीं ग्रह बोलते हैं, इसी के आधार पर हम कहते हैं कि ज्योतिष को समस्या बताने की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो सप्तम घर क्या होता है, पत्नी के सुख का, विवाह का। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को धन का सुख नहीं होना, द्वितीय घर से बन गया, द्वितीय घर का मालिक गुरु, पंचम घर का मालिक गुरु, यदि आपके टाइम सही है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में उच्च शिक्षा में भी परेशानी दिया होगा, हाथ पर पैसा नहीं रहने देगा, पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, और साथ साथ इतना ही नहीं किसी न किसी रूप में आपको पत्नी सुख से वंचित करने का यह प्रयास करेगा, या पत्नी के स्वास्थ्य खराब रहे या कोई समस्याएं रहे, और यहाँ तक यह नहीं रखेगा, ये आपके संतान पक्ष से भी नुकसान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे भी कोई ना कोई समस्याओं से परेशान रहते हैं, चूँकि आपके गुरु के साथ ही राहु बैठ गया जो बना दिया चंडाल योग, और जस्ट बगल में आपके पास कुंडली होगा, आप देखेंगे लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नौमास कुंडली होता है, नौमास कुंडली में चंद्र केतु एक साथ बैठ रखा है, आगे पीछे खाली कंप्लीट केम्ब्रम योग और मंगल राहु मिलके बन गया अंगारक योग। तो लग्न कुंडली नौमास कुंडली में ही आपके 3 योग बन गए, गुरु राहु का चंडाल दोष, ग्रहण योग, केम्ब्रम योग और अंगारक योग। तो इस परिस्थिति में जो 3-4 योग बन गया ये आपको अच्छे समय का भी लाभ नहीं देगा। ये कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है लेकिन आपके करियर जॉब करें वहाँ स्टेबिलिटी नहीं, बिजनेस करेंगे वहाँ स्टेबिलिटी नहीं, और कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, चाहे वो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहे या कोई समस्याएं रहें, और इसका इतना ही नहीं ये आपके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं। मैंने कहा है दर्शकों, हमेशा याद रखें कि ये कुंडली जब होता है किसी का वो आप तक सीमित नहीं है, इसमें आपके पिताजी का, दादाजी का, बच्चे का, पत्नी का, बहन का, भाई का, हम सबको ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढने के लिए समय चाहिए। और मेरी बात को गांठ मान लें, लोगों को एक मानसिकता बन गई कि शिवानंद जी से मेरी बात हो गई, ज्योतिष भाई से मेरी बात हो गई, ज्योतिष गुरु से मेरा काम बन गया। तो आप ध्यान रखें, ज्योतिषी, डॉक्टरी और वकालत, ये 3 चीज़ कभी भी फोनिक से नहीं होता, जब तक आप मिलेंगे नहीं आपको राहत नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को बांधेंगे, और से और आपकी कुंडली में टॉप टाइम चल रहा है जी। गुरु का दशा बहुत टॉप का होता है लेकिन गुरु साथ राहु बैठ गया, चंडाल योग बन गया, गुरु डैमेज हो रखे हैं, तो अच्छे समय का भी आपको लाभ नहीं मिलने देगा। क्या आप सहमत हैं इंद्रजीत जी? चलिए, शायद संपर्क हमारा टूट चुका है, उम्मीद है आप सहमत होंगे, और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कल सुबह 9 से 10 के बीच में गुरुजी से बात कर लीजिएगा। दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय हो चला है, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। शुभरात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन्म पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।